चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था। कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन लगा था, कुछ में आंशिक लॉकडाउन था। इसके बावजूद चालू कारोबारी साल के पहले तीन महीने इकॉनमी के लिए कई मायनों में अच्छे साबित रहे। चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा। अप्रैल जून तिमाही में निर्यात 95 अरब डॉलर का रहा, जो 2019 की जून तिमाही से 19% ज्यादा है। कारोबारी साल की पहली तिमाही में भारत ने एक्सपोर्ट ग्रोथ के मामले में दुनिया के कई बड़े देशों को पछाड़ दिया है। एक्सपोर्ट ग्रोथ में अमेरिका, जापान और यूरोप भारत से पीछे हैं। WTO के आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल 2020 के मुकाबले अप्रैल 2021 में यूरोपीय संघ की एक्सपोर्ट ग्रोथ 68% रही है। जापान की 36%, दक्षिण कोरिया की 41%, ब्रिटेन की 32% और अमेरिका की 53% रही है। अप्रैल जून के बीच भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ को बढ़ाने में इंजीनियरिंग, राइस, ऑयल मिल्स और मरीन प्रोडक्ट्स का बड़ा हाथ रहा है। 2019 के मुकाबले 2021 की पहली तिमाही में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 19% बढ़ा है। आयरन और एक्सपोर्ट 168%, चावल का निर्यात 37%, कॉटन का 33%, इंजीनियरिंग गुड्स का 25% और ऑर्गेनिक केमिकल का 20% एक्सपोर्ट बढ़ा है। एक्सपोर्ट का बढ़ना इकॉनमी के लिए अच्छे संकेत है। इससे पता चलता है कि भारत की इकॉनमी कोरोना की मार से बाहर आ रही है। पहले तीन महीने थे इस वर्ष के, अप्रैल, मई, जून 2021, इन तीन महीनों में भारत ने अपने इतिहास का सबसे अधिक निर्यात एक्सपोर्ट अचीव किया है। हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून ऑफ एनी ईयर इन द पास्ट हैज बीन अचीव्ड इन अप्रैल टू जून 2021 डिस्पाइट द सिवेरिटी ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें फर्स्ट क्वार्टर में 95 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट भारत ने अचीव किया है, जो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं। एक्सपोर्ट के अलावा भारत में कोरोना काल में विदेशी निवेश भी रिकॉर्ड तोड़ आया है। इससे संकेत मिलते हैं कि कोरोना काल में विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ गया है। 2020-21 में देश को कुल 81.72 अरब डॉलर का FDI आया। अप्रैल 2021 में भारत में 6.24 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया, जो अप्रैल 2020 में आए विदेशी निवेश से 38% ज्यादा है। कोरोना में एक और बात जो सबसे अच्छी रही वो है भारत के स्टार्टअप का आगे बढ़ना। अप्रैल जून के बीच 10,000 नए स्टार्टअप्स को मान्यता मिली। अब भारत के 623 जिलों में स्टार्टअप्स की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है। 2020-21 में स्टार्टअप्स ने करीब 1,80,000 लोगों को रोजगार दिया है। बढ़ते स्टार्टअप्स न्यू इंडिया की तस्वीर को पेश कर रहे हैं। अप्रैल जून तिमाही के आर्थिक आंकड़ों से लगता है कि इस साल भारत की आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार डबल डिजिट में रह सकती है।